रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही हेल्दी और फुल ऑफ फाइबर यमी सा केक बनाएंगे। आज हम बनाएंगे डेट्स एंड वॉलनट केक। आप भी जरूर बनाइएगा, बहुत ही इजी सी रेसिपी है। उसके लिए जी मैंने लिए हैं 250 ग्राम मैंने डेट्स ले ली हैं। उनको मैंने अच्छे से वॉश किया है, वॉश करके सीड निकाल के उनके मैंने बारीक बारीक से मैंने इनकी कटिंग कर ली है। मेक श्योर कि आपने इसको अच्छे से वॉश करना है, जब ड्राई हो जाए उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। 75 to 80 ग्राम मैंने लिए वॉलनट्स, इनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। 3 मैंने लिए हैं एग्स, 1 टीस्पून वनीला एसेंस जाएगा, 1.5 टीस्पून इसमें यूज करेंगे हम बेकिंग पाउडर। ब्राउन शुगर इसमें यूज करूंगी मैं, वाइट शुगर हम यूज नहीं करेंगे, हमने इसे प्रॉपर हेल्दी बनाना है। 1/2 कप यानी कि 50 ग्राम मैंने ली है शुगर, शुगर हम इसमें कम यूज करेंगे क्योंकि डेट्स ऑलरेडी पहले से ही मीठी है। 1.5 कप बेकिंग फ्लोर, ये 225 ग्राम बनेगा कम्प्लीट 1.5 कप। 1/2 कप मैंने लिया है नीम गर्म दूध, दूध हम नीम गर्म लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, बस हल्का सा गर्म लेना है हमने। अब सबसे पहले हम इसका करेंगे जो हमारी डेट्स हैं उनको हम दूध में भिगो देंगे। साथ हम ले रहे हैं जी 1 टीस्पून कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी मैंने ली है, 3-in-1 मैंने नहीं ली, कॉफ़ी पाउडर है ये। 100 ग्राम मैंने लिया है अनसाल्टेड बटर, इसको मैंने हल्का सा सॉफ्ट कर लिया, अगर आप इसे अपने किचन में ऐसे ही रख देंगे बगैर फ्रिज के तो खुद ब खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा। तमाम खजूरों में 1/2 कप जो नीम का हमारे पास दूध था वो हम इसमें शामिल करके अच्छे से इसको इसमें से डिप कर देंगे ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएं। 15 to 20 मिनट्स के लिए इसको हम रूम टेम्परेचर पे रख देंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले ही सॉफ्ट है, अपनी सॉफ्ट वाली खजूर यूज़ करनी है, हार्ड वाली यूज़ नहीं करनी। इसे मैंने अच्छे से इसमें डिप कर दिया है, इसे मैं साइड पर कर देती हूँ। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और बाकी इसकी जो हमारी केक की रेसिपी है वो हम स्टार्ट करते हैं। बड़े साइज का मिक्सिंग बाउल ले लिया है, इसमें मैं शामिल करूंगी सबसे पहले शुगर। शुगर आपने पाउडर फॉर्म में लेना है क्योंकि ब्राउन शुगर दानेदार भी मिलती है, पाउडर में भी मिलती है। पाउडर फॉर्म में लेंगे तो आपको इसे बीट करने में बहुत इजी रहेगा, अगर पाउडर नहीं मिल रहा तो आप घर ला कर उसे पाउडर बना लीजिएगा। साथ में शामिल करेंगे हम बटर, देखिए माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट है बटर मेरा, क्योंकि हमने हैंड बीटर से इसे बीट करना है तो हमें बहुत ईजी रहेगा इसको बीट करना। अच्छे से सारा हम साफ कर लेते हैं इसमें से। साथ में मैं शामिल कर दूंगी कॉफी पाउडर। अब अच्छे से हम इन्हें मिक्स करेंगे कि ये तीनों चीजें आपस में मिक्स हो जाएं। उसके बाद हम इसमें एग शामिल करेंगे, एग भी लेकिन मैंने पहले से ऑलरेडी चेक कर लिए हैं, 1 by 1 हम एग इसमें शामिल करके उन्हें फिर हम बीट करेंगे। इसमें डालेंगे अंडा, अभी मैंने एक डाला है, इसे मिक्स करूंगी। मैं डालूंगी दूसरा अंडा, एग्स डालने से देखिए बहुत सा सॉफ्ट होता जा रहा है मजीद और हमें बीट करने में मजीद आसानी पैदा हो रही है। अब इसमें तीसरा अंडा भी मैं शामिल कर देती हूँ। अब इस तमाम बैटर को 4 to 5 मिनट्स के लिए अच्छे से मैं बीट करूंगी ताकि थोड़ा सा ये अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए, थोड़ा सा कलर भी लाइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डालनी है वो हम इसमें शामिल करते हैं। 5 मिनट्स हो गए हैं इसे बीट करते हुए, देखें अच्छे से माशाल्लाह से ये तमाम चीज़ें इसमें अच्छे से बीट हो गई हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग फ्लोर।
रखते हैं पतीले में ताकि ये अच्छे से बेक हो जाए। पतीला हमारा अच्छे से गर्म हो गया हुआ है, इसे हमने मीडियम लो फ्लेम पे बेक करना है। इसको मैं रख देती हूँ अच्छे से, मैंने जाली स्टैंड रखा है। अगर आपके पास जाली स्टैंड नहीं है, आप कोई भी मेटल की कटोरी या प्लेट को उल्टा करके इसमें रख सकते हैं। अब इसे मैं कर दूंगी कवर, कम से कम ये 45 to 50 मिनट ले लेगा, 50 मिनट लग जाते हैं इसको लो फ्लेम पे बेक होने में। अगर आप चाहें तो ऊपर किचन टॉवल भी रख दें ताकि मजीद अंदर की जो गर्माइश है पतीले के अंदर की वो बाहर नहीं निकले। अब इंशाल्लाह हम इसे 45-50 मिनट तक चेक करते हैं। तकरीबन 50 मिनट्स हो गए हैं, अब केक हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखें बहुत अच्छा कलर आया है और बहुत परफेक्टली ये राइज हुआ है। मैं वुडन स्टिक लगा के एक साइड से चेक कर लेती हूँ, जैसे भी कहीं दूसरी साइड से भी चेक कर लें। अंदर तक स्टिक मैंने की है, देखें स्टिक मेरी बिल्कुल नीट एंड क्लीन अंदर से निकली है। इसका मतलब है कि केक मेरा अंदर तक अच्छे से पक गया है। अब मैं इसको निकालती हूँ, इसको हम ठंडा करते हैं, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए फुल ऑफ फाइबर हमारा डेट एंड वॉलेट केक रेडी हो गया है, उसकी मैं कटिंग करती हूँ। बहुत मज़ेदार सॉफ्ट सा फ्लफी सा हमारा केक रेडी है। हालांकि मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे टाइम दिया कि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी ये थोड़ा सा गर्म है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसमें से एक पीस। देखिए अभी भी इसमें से स्टीम निकल रही है। माशाल्लाह से देखें कितनी खूबसूरत डेट नज़र आ रही है, इसमें डेट्स पड़े हैं। और ये देखिए जी दोनों साइड पे इजीली आपको सब नज़र आ रहा है, वॉलनट्स भी इसमें। बहुत क्रंची सा, बहुत सॉफ्ट सा केक हमारा रेडी है। यकीनन आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, मैं तो लगी हूँ इसे खाने। आप लोग तैयारी करें बनाने की और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों ने बनाया और आप लोगों का कैसा बना। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी लेकर ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।